दोस्तों फाइनली आप लोगों के सामने है ऑनर का ऑनर प्ले 40S, जो स्मार्टफोन है 5200 mAh की बैटरी के साथ है। और ये सबसे अहम चीज़ इसमें ये है कि आपको ये इंडिया में लॉन्च हो रहा है और इसके सारे पार्ट्स अवेलेबल होंगे इंडिया के मार्केट में, चाहे रिपेयरिंग का हो और कुछ भी कमी होगा, ग्लास, टफन ग्लास, सभी चीज़ों का। अब यहाँ पे AI शूटिंग के इजिली इंटू या फिल्म कर सकते हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरे इसमें मिल रहे हैं। और शुरुआत में करना चाहूँगा डिस्प्ले से लेकर, जहाँ पे 6.56 इंच की TFT LCD डिस्प्ले मिलती है। इस पर 720 का पिक्सल्स का रेजोल्यूशन है और 90Hz का रिफ्रेश रेट है, जो कि TFT LCD के साथ 90Hz का रिफ्रेश रेट देना काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि डिवाइस को यूजर्स से कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 480+ प्रोसेसर मिल रहे हैं, जो कि स्टोरेज की सिंगल वेरिएंट में मिल रहा है। 4GB रैम के साथ 128GB का स्टोरेज है। कैमरे के डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ें तो 13MP का रियर और 8MP का फ्रंट कैमरा है, जो कि बैटरी के मामले में डिवाइस में 5200 mAh की बैटरी है। और ये कनेक्टिविटी के लिहाज से अगर हम बात करें तो 5G, 4G, Wi-Fi, ब्लूटूथ 5.1, GPS जैसे फीचर्स मौजूद हैं। अदर फीचर्स की बात करें तो इसमें ग्रेविटी सेंसर, कंपास, एम्बिएंट लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमीटर सेंसर, लाइट सेंसर, सारे सेंसर आपको यहाँ पे मौजूद देखने को मिलेंगे। वजन की बात करें तो इसमें आपको 188 ग्राम के लगभग हैं, 200 ग्राम के आसपास में हो जाएंगे आपका, अगर आप यूज़ करेंगे TPU का कोई भी ग्लास। तो फिलहाल यहाँ पे अगर हम प्राइस को लेकर बात कर लें तो प्राइस आपको लगभग 11,300 रुपये के आसपास में है, जो कि पहले से ही चाइना में लॉन्च हो चुका है। अब सेम वेरिएंट में लॉन्च हो रहा है इंडिया में सितंबर के महीने में, मतलब आने वाले अगले महीने में। अब ये किस डेट को होगा इससे पता नहीं है, लेकिन ये चीज़ तय है कि इंडिया के मार्केट में ये इसको लॉन्च किया जाएगा सेम फीचर्स में जो मैंने आपको बताया है। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो यहीं तक की थी, वीडियो अगर पसंद आ जाए प्लीज़ आप लाइक करना, शेयर करना। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।